ये है आपकी जिंदगी के कुछ खास हिस्से जिनके बिना आप जिंदा नहीं रह सकते। ये है आपका टीवी जिसके साथ आप हंसते हैं, रोते हैं। ये है आपका मोबाइल जिसके साथ आप जागते हैं, सोते हैं। ये है आपका चार्जर जिसके बिना आपका मोबाइल सांस नहीं ले पाता है। पर जैसे ही ये पुराने होते हैं, ये कर देते हैं आपकी पोजीशन में पंचर। तो फिर आप क्या करते हैं? रात गई, बात गई, अब तू कौन, मैं कौन? अब तक आपने जिससे लिया मजा, वो आज देता है दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग की सजा। अब तक आपके घर की जो था शोभा, वो आज फैला रहा है किसी और के घर में बीमारियां। यानी कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब हमारे काम के नहीं रहते, तब वे पर्यावरण के लिए बन जाते हैं ई वेस्ट। और ये वेस्ट कोई मामूली वेस्ट नहीं है, क्योंकि इन उपकरणों में मौजूद होते हैं मर्क्यूरी, लेड, कैडमियम, क्रोमियम और प्लास्टिक्स जैसे टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स, जो इंसान और पर्यावरण दोनों के लिए हानिकारक हैं। आज देश के असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं देश के लाखों लोग। नियमानुसार ना चल रहे इस क्षेत्र में ये लोग कूड़े कचरे के प्रोसेसिंग के दौरान जहरीले केमिकल्स के संपर्क में आते हैं। और तो और, इस वेस्ट में मौजूद होते हैं सोना, चांदी और तांबे जैसे कई कीमती पदार्थ भी। एक तरफ हम दुनिया के सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक सामान इस्तेमाल करने वाला देश बन रहे हैं, तो साथ ही में दूसरी ओर हम ई वेस्ट भी उतना ही ज्यादा जेनरेट कर रहे हैं। कभी कभार इन दिनों हमारे यहां पहले अच्छी पेन रखना वो स्टेटस था, अच्छी घड़ी रखना स्टेटस था, अब अच्छा फोन रखना स्टेटस हो गया है। ई वेस्ट, इसके विषय में अवेयरनेस नहीं है। देखिए, हमारे देश में एनवायरनमेंट की समस्याएं इसलिए आई कि जिसको जी ठीक लगा कारखाना लगा दिया। दे वर नॉट कॉन्शियस अबाउट इट। हमने ई वेस्ट के संबंध में एक मिशन उठाना चाहिए, ऑनलाइन चलाना चाहिए, अवेयरनेस कैंपेन करना चाहिए, ई वेस्ट के सॉल्यूशन खोजने चाहिए। सरकार के साथ मिलकर के कोई प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है ई वेस्ट के सॉल्यूशन, वरना हम पता नहीं कहां से कहां पहुंचे। इसीलिए आज प्रधानमंत्री जी ने उठाया है एक बड़ा कदम स्वच्छ भारत की ओर। तो आइए अब साथ मिलकर तय करें कि हम हमारे ई वेस्ट को कहीं भी नहीं फेंकेंगे। हम करेंगे उनका केवल साइंटिफिक डिस्पोजल, ताकि हम यही वेस्ट को कर सकें रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। और ये प्रोसेस के लिए भारत में कार्यरत है करीब 150 जितने ई वेस्ट ऑथराइज्ड रिसाइकलर, जिनकी जानकारी आपको प्राप्त होगी आपके नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर्स यानी कि CSC से। और फिर आपको करना बस ये है कि अपने ई वेस्ट को इकट्ठा कर उसे पहुंचाएं नजदीकी ई वेस्ट कलेक्शन सेंटर तक, जो कि इन्हें पहुंचाएंगे इनकी सही मंजिल तक। यहां पर ही तो वेस्ट से होगा वेल्थ का निर्माण, वो भी बिना कुदरत या इंसान को नुकसान पहुंचाए। देश की जागरूकता से होगा हजारों लोगों के लिए रोजगार का सृजन, और होगा स्वच्छ और स्वस्थ भारत का भी निर्माण। स्वच्छ डिजिटल भारत, डिजिटल स्वच्छता की ओर एक बड़ा कदम।